भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में न सिर्फ भारतीय खिलाड़ी और भारतीय टीम चोट से परेशान है, बल्कि अब इंग्लैंड का भी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी चोट की वजह से दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएगा। दरअसल इंग्लैंड के जैक लीच पहले ही टेस्ट मैच के सेकंड इनिंग में चोटिल हो गए थे, जिसके बावजूद उन्होंने दूसरी पारी में 10 ओवर गेंदबाजी की थी और महत्वपूर्ण विकेट निकाले थे। इसके बाद अब खबर आ रही है कि विशाखापट्टनम में हो रहे अभ्यास के दौरान जैक लीच उसमें उपस्थित नहीं है और उसके बाद अब ये अगले टेस्ट मैच में भी शायद खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। उनकी जगह पर इंग्लैंड टीम वीजा की वजह से देर से भारत पहुंचे शोएब बशीर को मौका दे सकती है। शोएब बशीर अभी तक एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेले हैं, सिर्फ वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलकर भारत पहुंचे हैं और उनके यहां आने से पहले काफ़ी ज़्यादा ड्रामा हो चुका है, जब उन्हें वीज़ा यूएई से सीधे भारत आने के लिए नहीं मिला था। इसके बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से लेकर पीएम हाउस के एक ऑफिसर ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी थी कि भारत खुद शोएब बशीर के सामने खेलना नहीं चाहता है। तो अब शायद उम्मीद है कि अगले मैच में शोएब बशीर को मौका मिलेगा, लेकिन इससे पहले एक बुरी खबर इंग्लैंड के लिए है कि उनके सबसे अनुभवी स्पिनर जैक लीच अब नहीं खेलेंगे। हालांकि जो रूट, जो कि पार्ट टाइम बॉलर हैं, वो खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन इन सब के अलावा जैक लीच की कमी इंग्लैंड टीम को खलने वाली है। और अब शोएब बशीर अगर डेब्यू करते हैं तो उनका प्रदर्शन कैसा रहता है, क्या वो अपनी छाप छोड़ पाते हैं या नहीं, क्योंकि इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकलम ने कुछ दिन पहले ही अपनी झलकियां साफ कर दी थी कि शायद इंग्लिश टीम अब 4 स्पिनर्स के साथ मैदान पर उतर सकती है। तो क्या जैक लीच नहीं खेलेंगे तो फिर चौथा स्पिनर कौन होगा, और इंग्लैंड के अलावा भारतीय टीम क्या सोच रही है कि पिच किस तरह की होगी, और अब जडेजा की अनुपस्थिति में टीम इंडिया किसे मौका देगी, ये भी देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।